तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टैबलेट के बारे में बात करेंगे, इसका यूज़, डोज, इसका साइड इफेक्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आप लोग पहले भी इसका नाम सुना होगा और पहले भी आप लोग यूज किया होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि कोई भी आप दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसजिन एएमआर बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी। दोस्तों, एसिक्लोफिनिक की अनुशंसा दर्द युक्त रूमेटिक स्थितियों जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस या फिर असिस्टी आर्थराइटिस या एंकलोजिन स्पंडिलाइटिस की जाती है। यह दर्द को घटाते हुए सूजन को कम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे पैरासिटामोल मस्तिष्क में कुछ विशेष रासायनिक संदेश वाहकों को मुक्त होने से रोकता है जो दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टेबलेट को आप किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मोच, बदन दर्द, रूमेटाइड आर्थराइटिस या फिर दर्द, असिस्टी आर्थराइटिस, बुखार। दोस्तों, किसी को जोरों में दर्द, नस पर नस चरना। दोस्तों, किसी को मांसपेशियों में दर्द, इस कंडीशन में आप इस टैबलेट को यूज। तो दोस्तों, आप बात करेंगे इसका कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं, एसिक्लोफिनेक, पैरासिटामोल एंड क्लोरजोक्सासोन डाला हुआ है। बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते या परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं, बायोक्रोप लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग किया। बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं, 78 रुपीज़ में आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से आप वहाँ से खरीद सकते या परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इस टैबलेट को यूज करें तो दो टाइम यूज कर सकते हैं और सुबह और शाम में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलने वाली दवा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस टैबलेट को यूज ना करें, अन्यथा गंभीर हो। तो दोस्तों, अब बात करेंगे एसजिन एमआर साइड इफेक्ट इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट को यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, जैसे सीने में जलन, दोस्तों किसी को लीवर की क्षति या फिर बदहजमी, एनीमिया। दोस्तों, किसी को पेट दर्द, एरिथमा, कब्ज, पीलिया, चक्कर आना, लाल चकते। दोस्तों, किसी को सूजन, किसी को उघना मतली या उल्टी, ये सब थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट दिखने को। दोस्तों, अब बात करेंगे एसजिन एमआर कंट्राइंडिकेशन इन हिंदी। दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप इस टैबलेट को यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि ड्रग एलर्जी, गुर्दे की बीमारी, लीवर रोग, शौक, हृदय रोग। दोस्तों, किसी को आंतों में सूजन, पोरफायरिया और भी कुछ बीमारी में आप इस टैबलेट को यूज नहीं कर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानने में अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।